नमस्कार जी, कैपिटल में आपका स्वागत है। तबलीगी जमात आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आज तबलीगी जमात और उसके उद्देश्यों पर बात करेंगे। तबलीगी जमात को चलाने के लिए और कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए फंड कौन देता है, हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे। तबलीगी जमात की स्थापना 1927 में भारत में की गई थी। तबलीगी का मतलब अल्लाह के संदेशों, मोहम्मद के संदेशों का प्रचार करने वाला। जमात मतलब समूह या गिरोह, और मरकज का मतलब होता है मीटिंग या सभा करने का स्थान। अब आप तबलीगी जमात और मरकज का अर्थ समझ गए होंगे, मतलब मोहम्मद के संदेशों को फैलाने वाली एक ऐसी जमात जिसको तबलीगी जमात कहा जाता है। तबलीगी जमात की स्थापना के पीछे कारण था कि मुगल काल में चंद रुपयों के लालच में या आक्रमणकारियों के तलवार के डर से जिन हिंदुओं ने धर्म बदला था और इस्लाम कबूल किया था, उनको उसकी सच्चाई थोड़े ही दिनों में समझ में आनी शुरू हो चुकी थी और वे अपने हिंदू रीति रिवाजों की ओर लौटना शुरू कर चुके थे। ब्रिटिश काल के दौरान आर्य समाज वालों ने उन्हें शुद्धिकरण करना शुरू किया और दोबारा उन्हें हिंदू बनाने का अभियान भी शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में मुस्लिम बने हिंदुओं को अपने इस्लाम में ही रोके रखने के लिए मौलाना इलियास कांधलवी ने 1927 में हरियाणा के नूह में इस संस्था की स्थापना कर इस्लाम का उपदेश देना शुरू किया और मोहम्मद के संदेशों को प्रचारित करना शुरू किया। ये उस अल्लाह के पैगाम को फैलाने का काम करते हैं जो मोहम्मद के दिमाग की उपज थी। तभी तो मोहम्मद जब भी कोई नीच काम करता था, उसकी हिकारत से बचने के लिए अल्लाह की एक आयत उस पर उतर आती थी और उसकी नीच हरकत को जायज़ ठहरा देती थी। पूरे कुरान को पढ़कर यही लगता है कि अल्लाह को पूरी दुनिया की कोई फिक्र नहीं है सिवा मोहम्मद के नीच कर्मों को जस्टिफाइड करने और ढकने के सिवा। किसी भी धर्म गुरु का एक अपना चरित्र होता है जिसका उसके अनुयायी गुणगान करते हैं, किंतु एकमात्र मोहम्मद के चरित्र की चर्चा से उसके अनुयायियों को बचते हुए देखा जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई चरित्र ही नहीं है। छोटे से गुड़िया से खेलती हुई बच्ची जो उसके भाई की बेटी है, मतलब उसकी सगी अपनी बेटी हो गई, पर अगर उसका दिल आ गया तो तुरंत एक आयत लिख डालता है कि अल्लाह का हुक्म है कि इससे मेरी शादी हो जानी चाहिए। मतलब 6 साल की गुड़िया से उसकी शादी हो जानी चाहिए, आप समझ सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया भर में धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाना कोई नई बात नहीं है। राम रहीम, आसाराम या रामपाल सरीखे बहुत सारे भोगी हुए हैं जिनके करतूतों को देखकर मोहम्मद के चरित्र को समझा जा सकता है। हालांकि ईश्वर ने इन ढोंगियों को जैसे इनके गुनाह की सजा दी, वैसे ही मोहम्मद को भी ईश्वर ने उसके पापों की सजा दी। इस्लामी इतिहास के किताबों का गहन अध्ययन करें तो पता चलता है कि मोहम्मद के गले की मुख्य नस कट जाने से उसकी दर्दनाक मौत हुई। अब जो खुद को नबी बोलते हुए पहले आए हुए नबियों को शैतानों से प्रभावित और अपनी कामना पूरी करने के लिए झूठ का सहारा लेने वाला बोल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि वह कितना बड़ा झूठा होगा। मतलब उससे पहले जितने नबी आए, रसूल आए, सारे झूठ, एक मैं सच्चा। राम रहीम भी तो कुछ ऐसा ही बोला करता था। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये बातें सूरा अल हज 22:52 में लिखी गई है। तुमने पहले जो रसूल और नबी भी हमें भेजा, जब भी उसने कोई कामना की शैतान की तो विघ्न डालता है, अल्लाह उसे मिटा देता है, फिलहाल अपनी आयतों को सुदृढ़ करता है। मतलब आज के पहले जो भी आता है, आया है, उसने झूठ बोला है, सच बोला है, शैतानों की बात किया है, तो अल्लाह उसे मिटा देता है। कुरान से 500-600 साल पहले बाइबल लिखी गई थी। बाइबल में एक बहुत गंभीर व्यवस्था दी गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि उन सभी झूठे और घमंडी नबियों रसूलों के लिए दर्दनाक मौत की सजा सुनाई गई है जो बोलते तो अपने मन से हैं किंतु कहते हैं कि यह ईश्वर के वचन है, और झूठे नबी ने अभिमान में आकर जो कुछ भी कहा तो उसके भय में नहीं आना। बाइबल व्यवस्था विवरण अध्याय 18:22 20 नंबर से लेकर 22 नंबर श्लोक तक, जो कहता है, परंतु जो नबी ढिठाई से मेरे नाम से ऐसे वचन कहेगा जिनको बोलने की आज्ञा मैंने नहीं दी है, अथवा वो जो दूसरे देवताओं के नाम से बोलेगा, उस नबी का वध कर दिया जाएगा, गले की नली काट दी जाएगी। और बाइबल की यह बात मोहम्मद पर सटीक लागू होती है, जो बोलता तो अपने मन से है किंतु कहता है कि अल्लाह के वचन है। बाइबल के अनुसार इस झूठे नबी की मौत दर्दनाक होनी थी, जो हुई,
कुरान शरीफ का सूरह अल हक्का 69 में 44 से 46 में कुछ चीज़ें पहले से बोली गई और एक चेतावनी थी मोहम्मद के लिए, यदि इसने मतलब मोहम्मद ने हम पर कोई बात बनाई होगी, मतलब हमारे नाम से कोई बात इसने झूठ बोला होगा। इस आयत का भावार्थ यह है कि कुछ अधिक या कम करने का अधिकार इसे नहीं है, यदि अगर ऐसा करेगा तो इसे कड़ी यातना दी जाएगी, तो हम इसका राइट हैंड पकड़ लेंगे, दाहिना हाथ पकड़ लेंगे और फिर अवश्य काट देते हैं उसके गले की रग, मतलब गले को रेत देते हैं। इस प्रकार की चेतावनी है। यह नबी यदि हमारे नाम से कोई बात गढ़ता है तो हम उसकी गर्दन की धमनी मतलब लाइफ बैन काट डालेंगे। और वही हुआ, मोहम्मद के गर्दन की धमनी कट गई। यद्यपि एक प्रसिद्ध इस्लामिक इतिहास के मुताबिक मोहम्मद ने यह स्वीकार भी किया था कि मैंने अल्लाह के नाम पर लोगों को गुमराह किया था, शैतान के प्रभाव में आकर फर्जी आयतें सुनाया था, मैंने अल्लाह के नाम पर ऐसी बातें कही जो अल्लाह ने नहीं कही थी। दैट इवनिंग जिब्राइल केम टू हिम एंड रिव्यूड द सूरा विद हिम, मतलब उस शाम को जिब्राइल आया और बैठ करके सभी चैप्टर्स को रिव्यू किया। एंड व्हेन ही रीच्ड द टू फ्रेजेस व्हिच शैतान हैड कास्ट अपॉन हिज टंग ही सेड आई डिड नॉट ब्रिंग यू दीज टू, हमने भाई इन दो को नहीं कहा था। देन द मैसेंजर ऑफ गॉड सेड, मतलब मोहम्मद ने क्या बोला, आई हैव फैब्रिकेटेड थिंग्स अगेंस्ट गॉड, मैंने गॉड के खिलाफ ये बातें बोली है। एंड हैव इम्पुटेड हिम टू हिम वर्ड व्हिच ही हैज नॉट स्पोकन, और मैंने यह बोलने की गुस्ताखी की है कि ये अल्लाह कह रहा है लेकिन वो मैंने खुद अपनी तरफ से कहा था। आप ये देख सकते हैं कि अल तबारी द हिस्ट्री ऑफ अल ताबरी के वॉल्यूम 6 पेज नंबर 111 पर इसकी विवरण दी गई है। तबरी का पूरा नाम अबू जफर मोहम्मद इब्न जरीर अल तबरी था, जिसका जन्म सन 838 ईस्वी में ईरान के प्रांत तबरिस्तान में हुआ था। मोहम्मद के 200-300 साल के बाद ही यह व्यक्ति जन्म लिया है और इसने पूरी शोध की है मोहम्मद के ऊपर, तो इसलिए हम इसके इतिहास में कही गई बातों पे ज़्यादा यकीन कर सकते हैं। लगता है कि जबराइल के सामने अपना गुनाह कबूल करने के बाद भी मोहम्मद ने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी, शांति की जगह जिहाद, हत्या लूट जैसी बातें लोगों को सिखाते रहा। शायद इसी बात से नाराज होकर बाइबल में दी गई व्यवस्था अध्याय 18:20-22 के अनुसार ईश्वर ने मोहम्मद को दर्दनाक मौत दी। मोहम्मद खुद कहता है वो ऐसा, आई स्टिल फील द पेन, आई फील एज इफ माई थ्रोट इज बीइंग कट, वो ऐसा मैं अभी भी बहुत असहनीय दर्द महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मेरे गले की नली काटी जा रही है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि हम उसके गले की रग काट देते हैं, गले की नली काट देते हैं, ठीक वही चीज़ यहाँ पर मोहम्मद एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि जैसे मेरे गले की नली काटी जा रही है। आप सबसे इतनी बातें बताना, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना या उसके मानने वालों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि एक सत्य से परिचय कराना है जो तबलीगी जमात वाले पता नहीं क्यों छिपाना चाहते। तबलीगी जमात के प्रचारक इन तथ्यों को छिपाकर मोहम्मद का झूठा महिमा मंडन कर भोली भाली जनता को गुमराह कर उन्हें कट्टरपंथी, आतंकवादी, दूसरे धर्मों से नफरत करने की शिक्षा देते हैं। बकौल सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी, तबलीगी जमात के मददगार अलकायदा और बगदादी जैसे लोग भी रहे हैं, आखिरकार इनके पास इतना अकूत संपत्ति कहाँ से आया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देश की जनता जानना चाहती है तथा देश में अमन पसंदी और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ऐसे संगठनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए और इनके मुख्य अधिकारियों, कार्यकर्ताओं को कोरोना को सुनियोजित रूप से देश के 19 राज्यों में फैलाने की जुर्म के बदले इन्हें मौत की सजा देनी चाहिए। आखिर कल तक ऑडियो में मस्जिदों को आबाद रखने की दुहाई देने वाला, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की बातों को झूठा बताने वाला, आज भारतीय कानून के डर से चूहा बना अपने क्वारंटीन में छिपे होने का बहाना बना रहा है। इसकी बातों में आकर के हजारों लाखों मुसलमानों का नुकसान हो चुका, जो मस्जिदों को आबाद करने के चक्कर में अपनी जान गंवाने की स्थिति में पहुंच गए। देश के सीधे साधे मुस्लिम भाइयों, पुलिस के डर से आप खुद देख रहे हैं
कि इस दोगले की जुबान कैसी बदल गई है। आज इसकी एक नई ऑडियो आई है जिसमें कह रहा है कि सब लोग अपने को क्वारंटाइन में रखें, देश की जो कानून कहती है उसका पालन करें, अल्लाह नाराज नहीं होगा। कल तक बोलता था अल्लाह नाराज होगा, पुलिस के डंडे के डर से कह रहा है कि अल्लाह नाराज नहीं होगा, और खुद पकड़े जाने के डर से चूहे के बिल में घुसा है, लेकिन कह रहा है कि मैं कोरोना के डर से एकांतवास में। आप सब ऐसे इंसानियत के दुश्मनों के बहकावे में ना आए, आप अपने बच्चों समेत अपने घरों में महफूज रहें। जय हिंद, जय भारत।